Dominating. Hacker. Hacker. और मेरे भाइयों क्या हाल चाल। तो बोलो यहाँ पे है ना, आज की वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो के अंदर मैं आप सभी को ऑटो हेडशॉट मारने के लिए सेंसिटिविटी और सेटिंग बताने वाला हूँ। क्योंकि आप सभी ने आगे तो क्लिप देख ही लिया होगा किस तरीके से ऑटो हेडशॉट पड़ रहा था पूरी टीम को, एंड उसी के साथ साथ यहाँ पे पूरी टीम को वाइप आउट भी कर रहा था। दोस्तों अगर आप भी इसी तरीके से ऑटो हेडशॉट मारना चाहते हो तो भाई वीडियो के एंड तक बने रहना है, क्योंकि यहाँ पे मैं आपको एक सीक्रेट सेटिंग और सेंसिटिविटी बताने वाला हूँ। अगर वो यूज करोगे ना तो 100% आप भी मेरी तरीके से ऑटो हेडशॉट मार सकोगे। वरना दोस्तों क्या होगा कि YouTube पे आप सभी लोग इतने सारे वीडियो देख देख के थक चुके हो, फिर भी आपका काम का वीडियो कोई नहीं रहा होगा, वो मैं आपको गारंटी के साथ बताता हूँ। इसलिए यहाँ पे है ना आपको मैं 100% में आपको लिख के देता हूँ, अगर ये वीडियो देखने के बाद अगर आपका ऑटो हेडशॉट ना लगे तो मैं चैनल छोड़ दूंगा। बट यहाँ पे आपको बस करना क्या है कि भाई मैं जो भी आपको सेंसिटिविटी और सेटिंग बताता हूँ ना, उसको आपको स्टेप बाय स्टेप आपको फॉलो करना है। क्योंकि यहाँ पे मैं आपको डेमो देता हूँ, उसके बाद यहाँ पे मैं आप सभी को बताता हूँ कि इस तरीके से यहाँ पे ये काम करती है सेंसिटिविटी। इसी वजह से यहाँ पे है ना वीडियो को बिना स्किप किए देखना है, अगर स्किप करके देखोगे तो फिर मुझे मत बताना कि भाई मेरा हेडशॉट नहीं लग रहा। इसलिए यहाँ पे मैं आपको जो भी बताऊंगा उसको आपको 100% आपको फॉलो करना पड़ेगा। एंड हाँ बोले यहाँ पे मेरे प्यारे दोस्तों के लिए यहाँ पे है ना मैं 1000 डायमंड का अगर गिवे करता रहता हूँ, तो दोस्तों अगर आपको उसके अंदर पार्टिसिपेट होना है तो क्या करना है, बस अपना फ्री फायर का नाम लिखो या तो UID लिखो, दोनों में से कोई एक लिख दो। इतना करने के बाद यहाँ पे आपको डायमंड मिल जाएगा। इसीलिए यहाँ पे मैं आप सभी को बोलता रहता हूँ भाई कमेंट नहीं किया तो भाई कमेंट तो कर दो। एंड हाँ बोले यहाँ पे वीडियो बनाते बनाते पूरा थक जाता हूँ, तो इसलिए यहाँ पे ना रिक्वेस्ट करने के पर भी यहाँ पे आप सभी लोग है ना वीडियो को लाइक नहीं करते हो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो, और अपना जो बेल नोटिफिकेशन मेन इंपॉर्टेंट बात आती है बेल नोटिफिकेशन और पे सेट करने की, तो भाई वो कर दो। क्योंकि यहाँ पे जो सबसे पहले वीडियो के अंदर यहाँ पे आता है ना, तो भाई उनको यहाँ पे मैं डायमंड हर बार देता हूँ, तो भाई सबसे पहले आप सभी लोग आओ और यहाँ से डायमंड जीत लो। क्योंकि यहाँ पे इसी तरीके से सब बंदे देते हैं, तो भाई मैं भी देने वाला हूँ। सब बंदे फेक गिवे करते या सही गिवे करते वो मुझे पता नहीं है, बट यहाँ पे मैं उसी तरीके से गिवे करता हूँ, बट मैं 100% देता हूँ। तो इसलिए यहाँ पे मैं आप सभी को बोलूंगा कि भाई जल्दी से मुझे यहाँ पे फर्स्ट मैसेज करेगा ना यहाँ पे मेरे कमेंट बॉक्स में, तो उसको यहाँ पे जल्दी से मिलता है, वो मैं आपको लिख के देता हूँ। बहुत सारे बंदे हैं जो कि यहाँ पे इसी तरीके से बहुत सारे मतलब कि डायमंड जीत चुके हैं, तो दोस्तों आप भी इसके अंदर पार्टिसिपेट हो जाओ। एंड हाँ पहले वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि भाई अभी तक वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो, बार बार मत बुलाओ। तो आप चलेगा इस वीडियो को स्टार्ट करता हूँ एक छोटे से इंट्रो के बाद। तो चले गए बिना कोई टाइम वेस्ट किए वीडियो करता हूँ स्टार्ट। तो यहाँ पे को सबसे पहले बताना चाहता हूँ कि ये सेंसिटिविटी है ना दोस्तों, ये पेड सेंसिटिविटी है, तो इसलिए यहाँ पे मैं आप सभी को बताऊँ कि मैं आप सभी को फ्री में दिखा रहा हूँ, और मैंने यहाँ पे ये सेंसिटिविटी पैसों से खरीदी है। अगर आपको अगर स्किप करके देखना है या तो बिना स्किप करके देखना है वो आप ही तय कर सकते हो, बट यहाँ पे जो अच्छे बंदे होते हैं जो अच्छे बच्चे भी होते हैं तो वो है ना यहाँ पे मतलब कि स्किप करके नहीं देखेंगे, प्यार से देखेंगे। तो इसलिए यहाँ पे मैं आपको जो भी सेंसिटिविटी बताऊंगा उसको यहाँ पे आपको ध्यान से सुनना है, क्योंकि यहाँ पे मैं आपको जो भी डिवाइस होगा उस तरीके से यहाँ पे मैं आप सभी को बताने वाला हूँ। तो चले भाई लोग यहाँ पे मैं आपको सबसे पहले मेन सेंसिटिविटी के बारे में बात करेंगे, फ्री लुक के बारे में। दोस्तों यहाँ पे फ्री लुक इतना मतलब कि हेडशॉट मारने के लिए काम नहीं आता है, बट यहाँ पे मैं मेन सेंसिटिविटी लिए इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे है ना बंदे का रोटेशन मारने के लिए यहाँ पे हम आगे देखते हैं बट यहाँ पे पीछे भी देखना चाहिए ना। अगर आपको फ्री लुक यहाँ पे आपका सबसे बेस्ट रहता है तो यहाँ पे आप अपने बंदे को तुरंत यहाँ पे मूवमेंट करके पीछे देख सकते हैं कि बंदे कहाँ से कहाँ आते हैं और कहाँ जाते हैं, और या तो अपने पीछे कोई बंदा आता है कि नहीं उसको तुरंत देखना है। अगर आप देखोगे कि 1 सेकंड में हमें बंदा मार के चला जाता है, पता भी नहीं चलता, 0.01 सेकंड के अंदर बंदा मार देता है, तो क्या आप मतलब कि फ्री लुक ऐसे घुमाते घुमाते बंदा मार देगा तो क्या करोगे। इसलिए यहाँ पे मैं आपको सबसे बेस्ट सेंसिटिविटी के अंदर यहाँ पे है ना 50 रखा हूँ। अगर फ्री लुक यहाँ पे 50 रखोगे ना तो आपका भाई कसम से बता रहा हूँ कि आपको पीछे से बंदा आपको कभी नहीं मार पाएगा, क्योंकि आप तुरंत ही देख लोगे। अगर आपको आप लोग यूज करते हो तभी, भाई जो भी यूज नहीं करता उसको यहाँ पे मैं बताना चाहता हूँ कि फ्री लुक है ना आप लोग यूज करो भाई, सबसे बेस्ट बोला जाता है फ्री लुक यहाँ पे है ना किसी भी गेम के अंदर नहीं होता है, पर अपने फ्री फायर के अंदर है, इसलिए यहाँ पे उसको यूज करो। चलिए अब नेक्स्ट सेंसिटिविटी के बारे में बात करके यहाँ पे आप स्नैपर स्कोप के बारे में। दोस्तों आप ज्यादा से ज्यादा के स्नैपर स्कोप यूज करते हो, या तो ओम है, M8 टोपी है, या तो और भी गन जैसे कि स्नैपर स्कोप के अंदर आ चुकी है, बट यहाँ पे दोस्तों अगर आपको मैं बता दूं कि अगर आप ज्यादा से ज्यादा यूज करते हो तो आपको ज्यादा सेंसिटिविटी रखने की जरूरत नहीं है। बहुत सारे बंदे है ना ज्यादा रखते हैं, बट भाई ज्यादा रखने के क्या फायदा, आपका मतलब कि सही से डैमेज भी नहीं होता है, तो हेडशॉट किससे मारोगे। तो भाई स्नैपर स्कोप से डैमेज
भी मारना सबसे बेस्ट होता है। तो अगर आप मतलब कि स्नैपर स्कोप आपको सबसे बेस्ट रखना है सेंचुरी के अंदर, तो यहाँ पे आपको 110 रखना है, क्योंकि सबसे बेस्ट के बेस्ट गिनी जाती है, मेरे को पता है दोस्तों। और मैंने बहुत सारे बंदों के अंदर यही देखी है, बड़े बड़े यूट्यूबर में यही सेंचुरी रखी है। और उसके बाद बात करेंगे यहाँ पे आपको 2x एंड फॉरेस्ट के बारे में। दोस्तों आप सभी को पता होना चाहिए कि हमारा जो 2x एंड फॉरेस्ट है ना, हमारे कस्टम एचुडी के अंदर एक ही होता है जूमेक्स वाला बटन। दोस्तों बहुत सारे बंदों के अंदर यही पता नहीं होता है कि दोस्तों मतलब कि 2x रखेंगे 50 और फॉरेस्ट रखेंगे 100। भाई ऐसा क्यों करते हो यार, आप थोड़ा तो दिमाग लगा भाई, जूमेक्स बटन एक ही होता है, उसको बटन यूज करने के लिए ये सेंसिटिविटी दी जाती है भाई। इसीलिए यहाँ पे है ना आपको मतलब कि 2x एंड फॉरेस्ट है दोस्तों, वो दोनों समान रखना है दोस्तों। समान नहीं रखोगे तो यहाँ पे आपको क्या होगा, जब 2x स्कोप आप ओपन करने जाओगे ना तो वो फास्ट होगा और फॉरेस्ट स्कोप मतलब कि माइनस हो जाएगा। तो ये सारी झंझट से दूर होना है तो यहाँ पे आपको दोनों को दोनों सेंसिटिविटी एक ही रखना है। अदरवाइज यहाँ पे आप एक ही नहीं रखोगे ना तो यहाँ पे आपको बहुत प्रॉब्लम आ जाएगी, भाई मुझे पता है। और आप मतलब कि मेरे पे भरोसा नहीं आता है, तो आपको कोई और यूट्यूबर फ्रेंड है तो उसको बता देना, कोई अच्छी तरीके से गेम प्ले करता है उसको। चलिए गाइस मेन इंपॉर्टेंट सेंसिटिविटी के बारे में बात करेंगे, रेड डॉट के बारे में। दोस्तों यहाँ पे मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ कि रेड डॉट अपने हिसाब से सब लोग रखते हैं। मुझे पता है सभी बंदे क्या करते हैं, 200 सेंसिटिविटी ले जाते हैं। 200 सेंसिटिविटी ले जाने के बाद यहाँ पे क्या होता है कि जिस बंदे पे हम एम करते हैं उस बंदे पे एम नहीं होता है, दूसरे बंदे पे एम चला जाता है। फिर प्रॉब्लम के अंदर क्या हो जाता है दोस्तों कि हमारा हेडशॉट अच्छी तरीके से चिपकता नहीं है, क्योंकि सबसे बेस्ट वही है कि हमें एम किस तरीके से करना है अपने बंदे पे, मतलब कि अपने जो जिस सामने वाले एनिमी की मतलब कि परफेक्ट एम होगा तो आपका परफेक्ट हेडशॉट भी लगेगा ना। तो इसलिए आपको 200 सेंसिटिविटी नहीं रखना है। यहाँ पे आप देख सकते हो 192 यहाँ पे मैंने सेंसिटिविटी रखा है, तो दोस्तों आपको भी 192 ही सेंसिटिविटी रखना पड़ेगा। अब बात करेंगे दोस्तों यहाँ पे जनरल सेंसिटिविटी के बारे में। जैसे कि जनरल सेंसिटिविटी आप सभी को पता होना चाहिए कि दोस्तों हमारा जो बंदों को मूवमेंट करवाता है ना, आप सभी ने देखा मैं किस तरीके से मूवमेंट के साथ यहाँ पे बंदों को मारता था, तो दोस्तों वो किस वजह से, यहाँ पे सेंसिटिविटी अगर आपकी परफेक्ट रहेगी अपने डिवाइस से तो उसी तरीके से यहाँ पे ना सेंसिटिविटी सबसे बेस्ट रहेगी। क्योंकि यहाँ पे देखो मैं मतलब कि कितना रखा है, तो यहाँ पे देखो 195 है, तो दोस्तों आपको कितना रखना है, यहाँ पे अपना 195 रखना है। और किस किस लोगों के पास यहाँ पे ये वर्क करेगी, तो अगर आपके पास 2GB से लेकर 12GB तक यहाँ पे आप सभी के पास मोबाइल होगा ना, उन सभी के लिए यहाँ पे ये सेंसिटिविटी वर्क करेगी। तो दोस्तों यहाँ पे जो मैं सेंसिटिविटी बताया, अगर आपने फिर भी यहाँ पे आपने मैं जिस तरीके से बताया अगर आपने सुना नहीं होगा तो एक बार फिर यहाँ पे आप चेकआउट करो, और भी वीडियो है मेरे, मैं सभी के लिए यहाँ पे सेंसिटिविटी अलग अलग बनाए, तो उसको जाकर चेकआउट कर सकते हो कि नहीं भाई और ये सेंसिटिविटी वर्क नहीं करते तो कोई और दूसरा वीडियो देखो मेरा, वो 100% वर्क करेगी, मैं आपको लिख के देता हूँ। एंड हाँ बोले यही तक पहुँच चुके और आपने अभी तक वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो क्या कर रहे भाई, छोटा भाई समझ कर तो कर लो, क्योंकि यहाँ पे इतना टाइम दिया है भाई, एक सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन ऑल पे सेट नहीं किया है यार, के इतना बोले कि कंजूसाई करते हो भाई, इतनी कंजूसाई कोई नहीं करता यार। तो चले भाई लोग यही थी आज की वीडियो, वीडियो अच्छी लगी हुई तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करके बिल नोटिफिकेशन ऑल पे सेट कर देना, और ऐसी नेक्स्ट वीडियो देखना चाहते हो ना तो भाई अपने फ्रेंड के साथ शेयर भी कर देना यार। तो क्या कर रहे हो, जल्दी से कर दो और ऐसी नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।